तहज्जुद सहरी और फिर फजर, कितनी खूबसूरत है ना ये रातें। तो हमारा चिकन बटरफ्लाई जो बनने वाला है उसको मैरिनेशन कैसे करना है मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे पहले मसाले आप लोग देख लीजिए, ब्लैक पेपर पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर, ये लिया है मैंने। और यहाँ पर जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक ऑलरेडी ऐड करके रात में रख दिया था, कट करके रखा था, इतने इतने पीसेस, छोटे छोटे पीसेस हमको लगेंगे। और मैं ऐड करूँगी इसमें चिकन 65 का मून स्टार मसाला। इसमें जो है कॉर्नफ्लावर, मैदा वगैरह सारी चीज़ें होती है तो चिकन को बाइंड अच्छे से करता है और क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी होता है चिकन। और इसमें थोड़े बहुत मसाले होते हैं जो इसका फ्लेवर और ज़्यादा एनहेंस करता है। और मैंने इसके 3 पैकेट्स डाले हैं तो मैं 1 किलो चिकन ले रही हूँ और मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। इसमें नींबू ऐड करती हूँ, अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा सोया सॉस और सेजवान चटनी थोड़ी सी, इससे ना फ्लेवर बहुत चटपटा सा आता है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने वो मून एंड स्टार मसाला ऐड किया है तो ज़्यादा कॉर्नफ्लावर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि हमको और थोड़ा क्रिस्पी बनाना है, क्योंकि ये रेसिपी थोड़ी क्रिस्पी अच्छी लगेगी। अब फटाफट मिक्स करके इसको रेस्ट करने के लिए दे देते हैं। अब मैं सहरी की तैयारी करूँगी इसे फ्रिज में रख के, ये भी काम आसान हो जाएगा। उठने के बाद सिर्फ हमको आलू कट करने हैं। रात में जब मैंने वॉश करके कट करके रख दिया था तो मैंने नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के रखा था, इसलिए मैंने नमक ऐड नहीं किया, बट आप लोग ज़रूर नमक ऐड करना ना भूलें। और मून एंड स्टार के जो ये मसाले में ऑलरेडी नमक भी होता है, सारी चीज़ें इसमें मिक्सड होती है। काफ़ी अच्छा मसाला है, हम लोगों को तो बहुत पसंद है, कोई भी फ्राइड आइटम में हम लोग ये मसाला यूज़ करते हैं। तो तेल भी ऐड करना है इसमें ताकि अच्छे से वो मैरिनेट हो जाए और हमारा चिकन जो है ना अंदर से सॉफ्ट बने। तेल मैं भी भूल गई थी और आपको बताना भी भूल गई थी, तो इसे बस ऊपर ऊपर से ऐसे मिक्स भी करेंगे तो चलेगा। मैरिनेशन का पार्ट ही मेन होता है, अगर ये अच्छे से और ज़्यादा देर तक के हम चिकन को मैरिनेट करने रख देंगे ना तो हमारा चिकन अंदर से सॉफ्ट भी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। तो जितना हो सके उतना टाइम तक मैरिनेशन के लिए वक्त दे इसको, चिकन को। अब बस चलो फाइनल हो गया। अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? सबको 10वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और अब जो है सुबह मैं जैसे उठी हूँ, मैंने सोचा पहले फटाफट मैरिनेट करती हूँ बटरफ्लाई चिकन। फेमस रेसिपी है, मतलब बहुत जगह ये रेसिपी बन रही है रमज़ान स्पेशल। और मैंने रील्स पर बहुत देखा, मैंने शॉर्ट्स पे बहुत देखा, यूट्यूब पे बहुत लोग बना रहे, हर जगह ये रेसिपी की धूम मची है। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। इनफैक्ट मैं कल ही ये बनाने वाली थी बट पता नहीं था कि शौर जी हमको बाहर लेकर जाएंगे और बच्चों की तबीयत ख़राब होगी, वरना मेरा प्लान कल का ही था, 9वें रोज़े में ही बनाना था। बट कोई बात नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम है तो मैंने आज पक्का डिसाइड कर लिया कि मैं बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत फटाफट से बन जाती है। अभी आपने देखा मैंने मैरिनेट कैसे किया है, आप लोग भी आपके हिसाब से ही मैरिनेट कर लीजिए। चिकन को मैरिनेट करना तो यही होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले सारे डाल दो, हो गया मैरिनेट, नींबू निचड़ लो तो अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। तो यही होता है, मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया है। मैं अब रोटी बनाऊँगी और शौहर जी को उठाऊँगी, जोया को भी उठाऊंगी। जोया ने तो लेट बहुत खाई थी, वहाँ से भी आके खाई थी, उसे 2 बज रहे थे तो उसने, मैंने दाल चावल बनाई थी वो भी खाई थी, तो फिर पता नहीं उठ के सिर्फ मेरे ख्याल से उसने बोली कि मम्मा खजूर और दूध ही पी लेंगी। तो देखते हैं उसको थोड़ा लेट उठाते, बट शौहर जी को उठाते, मेरे फटाफट पराठे बनाती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बस शुरू करते हैं, आज 10वां रोज़ा है, फुल एनर्जी के साथ चले। वाह कितनी मस्त लग रही रोटी मेरे को तो अभी एकदम ये हो रहा। हाँ आज तो रोटी को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो आज मैं 2 रोटी खा लूंगा। क्या बात है, आज बहुत ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत नजर आ रही है रोटी में। क्यों रो
इतनी रेड रेड हाँ बनाते आज कुछ ज्यादा ही लग रही है। तो बोला करो फिर मैं ज्यादा रेड बनाऊंगी, उसमें क्या ज्यादा फ्राई करना पड़ता है कुछ नहीं। और वैसे भी ना तुम्हारे कुछ फैंस लोग ने भी बोले थे कि उन लोग को ना तुम्हारी रोटी के ये चाहिए रेसिपी कैसे बनाते करके, बताती हूँ लोगों को भी इतनी पसंद आती है। अभी मैंने ये स्टार्ट कर दी ना ये रोटी बनने के बाद, फिर और एक रोटी बनाऊंगी ना फिर बताती हूँ। कुछ भी नहीं है यार रोटी का, क्या है प्रैक्टिस, रोटी नीड ओनली प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस करके भी नहीं होता ना ऐसे, नहीं प्रैक्टिस करें तो रोटी बन जाती है। चलो देखेंगे, मालूम पड़ेगा। अभी जिन्होंने भी बोले हैं वो तुम्हारी ये रोटी देख के उन लोग बना के ऐसे बोलो कि हाँ चलो इंस्टा पे तुमको डीएम कर दे रोटी की फोटो, इंशाल्लाह बना के फोटो भेजना ठीक है। चलो आज ये रोटी की ट्रेनिंग देगी कैसे बनाते करके। आज के दो दो रेसिपी बताओगे क्या? चिकन बटरफ्लाई रोटी की तो एकदम छोटी छोटी सी। हाँ चिकन बटरफ्लाई, वाह नाम तो ऐसा है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई। हर जगह वो रेसिपी चल रही, रील खोलो तो वो रेसिपी, यूट्यूब खोलो तो वो रेसिपी, बहुत ट्रेंडिंग चल रही है वो रेसिपी। मैं फर्स्ट टाइम सुना चिकन बटरफ्लाई। मैं बहुत दिन से देख ही रही थी, मैं बहुत दिन से सोच भी रही थी कि बनाऊंगी, बट वो हो ही नहीं रहा था, आज उसका लग गया है। तो जैसे चिकन बटरफ्लाई वैसे तुम मटन बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। हाँ देखो मैंने तुम्हारे लिए एक और नवी डिश इन्वेंट कर दिया, मटन बटरफ्लाई। बट आपके बच्चे मटन कहा इतना शौक से खाते हैं, बच्चे भी नहीं खाते, तुम भी नहीं खाते शौक से। तो बस घी ऐसे डालना है और फिर पलट देना है। भूल गया था मैं, दिखा देखो नजदीक से, दो मिनट से तो ये ऐसी होती है रोटीन की। तुमको पता है बेटर, क्रिस्पी आवाज आ रही है, कितनी क्रिस्पी हो रही है कैसे देख लो। मुझे लगता है बोला था ना, हाँ उन लोग के लिए ये, मुझे लगा आपको बहुत ज्यादा वैसे नहीं अच्छी लगती ज्यादा एकदम, इसलिए मैं थोड़ा कम करती हूँ सेकती हूँ उसको। बस ठीक है दोनों साइड से, वाओ तो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप बैठ जाओ। अच्छा इतना एक बता दो, पड़ेगी हम ये बता दो सिर्फ अभी, इसको बस थोड़ा सा बेलना है और बीच में तेल लगाना है। अगर आपको घी पसंद तो आप बीच में घी भी ऐड कर सकते हो, और बस इसमें थोड़ा सा आटे में मिक्स करके थोड़ा और यहाँ पे तेल लगा के वापस थोड़ा सा आटा लगा के। पराठे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बस अच्छे से इसको बेलना है, बीच से ज्यादा नहीं बेलना है, साइड से बेलना है, बॉर्डर ज्यादा अच्छे से बेलना है। अगर आप बीच में से बेलोगे तो आपकी रोटी फूलेगी नहीं। बस फटाफट फटाफट ऐसे बेलो, थोड़ा ये नॉर्मल जो रोटी होती है ना मैं और पतली बनाती हूँ, ये जो है अभी सहरी की थोड़ी सी मोटी रखती हूँ ताकि पेट अच्छे से भरे शॉर्ट्स। देखे गैस मेरा बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए मैंने थोड़ी देर बंद किया वरना रोटी चल जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आज ना चाय पी लूंगी, आज चाय पीने का मन है। चाय बनती है यहाँ पे, रोटी है यहाँ पे, दूध रख दिया है गरम को सेकने का, तो मैं बता दी ना कैसे सेक। कितने मल्टीटास्किंग है मैडम के, यहाँ पे उन्होंने मलाई भी निकाल दी है और चिकन भी मैरिनेशन के लिए रख दिया है। तो कैसे ना सुबह सुबह काम निपटा दूंगी ना, तो शाम के टाइम पे रोजे के टाइम पे थोड़ा ना आराम भी हो जाता है। अब इसको मैं पलट दूंगी। अरे गरम है वो, नहीं है गरम, ये ऐसे काम करते फिर हाथ को चटका बैठता है। अगर गर्म लगता तो मेरे हाथ से छूटता ना। देखो रोटी पलट रही, देख लो रोटी पलट रहे, कुछ ज्यादा ही ये नहीं कर सकते, मत पकड़ो छोड़ दो। अरे यार तुम तो समझते ही नहीं, अगर गर्म लगता मुझे चटका लगता तो मैं छोड़ देती ना शॉर्ट्स को। इस साइड घी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतना सारा घी होता है ना एक ही साइड, तो वो दोनों साइड इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ सहरी का पराठा, और जो मैं नॉर्मल रोटी बनाती हूँ सब्जी तरकारी के साथ खाने के लिए वो इससे सेम तरीका है लेकिन
मैं और इसको बेलती हूँ और पतली बनाती हूँ। That's it, पराठा। फटाफट सैरी करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मेरा अंडा भी टूट गया गड़बड़ गड़बड़ में। हाफ फ्राई को मैं फुल फ्राई करती हूँ। हाफ फ्राई अंडे को मैं फुल फ्राई करके खाती हूँ। ये मैंने सादी रोटी बनाई अंडे के साथ खाने के लिए, ये मैंने पराठा बनाया चाय के साथ खाने के लिए। शौर जी अपना खा रहे हैं, फटाफट सैरी करते हैं। اللهم إني أسألك الجنة. Oh Allah, I ask you Jannah. If you repeat that 3 times every day, then Jannah itself asks Allah Subhanahu wa Taala to give you Jannah. तो हो गई है फजर की नमाज और थोड़ी बहुत तस्बीह पढ़ ली है और अब जो है अब मैं जाऊंगी सोने के लिए। सोया उठकर फटाफट खजूर और दूध पीकर शूट नहीं ले पाई क्योंकि बहुत लेट हो गया था, उसको उठाने उठाने तक बहुत लेट हो गया था, बहुत कम टाइम था मेरे पास, 5 मिनट ही थे तो शूट भी नहीं कर पाई। फटाफट उसको दिया और वो भी नमाज़ पढ़ रही है, नमाज़ पढ़ के अभी सो जाएगी और मैं भी अभी चली हूँ सोने के लिए। फिर मैं आप लोगों को उठने के बाद मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग भी सो जाइए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मैंने 3 बड़े बड़े आलू लिए हैं और इसे स्लाइस किया है पतला पतला, और यहाँ पे मैंने पानी लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला है और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और इसकी हमें अच्छे से स्लरी बनानी है और हमें इसमें ऐड करना है आलू। आलू को स्लरी में अच्छे से डिप करना है आधे घंटे तक, उसके बाद जो है थोड़े देर आधे घंटे के बाद आलू थोड़ा सॉफ्ट होगा तो हम आराम से अपना जो बटरफ्लाई चिकन फ्राई है वो बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो हो गई है असर की नमाज़ और उसके बाद जो है आज दिन भर थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था इसलिए जल्दी स्टार्ट नहीं की, असर के नमाज के बाद स्टार्ट किया है। अब इफ्तारी की तैयारी करते हैं और ये जो है मैंने कॉर्नफ्लावर और नमक के स्लरी में ये आलू भिगो के रखे थे 15-20 मिनट, तो ये अभी नरम हो गए हैं और अच्छे से हमारा बटरफ्लाई चिकन बन जाएगा और बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गया है चिकन। अंडा मैं नहीं ऐड करने का सोच रही हूँ आज, अगर आपको अंडा मिक्स करना है तो आप कर सकते हो बट आज मैं सोच रही हूँ अंडा नहीं मिक्स करती हूँ। अब इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है एक आलू का पीस और इसे करते हैं इसमें फोल्ड और इस टूथपिक के मदद से इसे करते हैं स्क्रू। ये बहुत ही सिंपल है, ऐसे कर करके हम सारे चिकन को लगाएंगे। और ये मैडम देखिए ये नई लाइट्स आई है जो है ऑर्डर की है, आप देख सकते हो कितना प्यारा है इसका लुक आता है। ऑलमोस्ट खत्म होने को आया ये, बट क्या बटरफ्लाई चिकन, बटरफ्लाई चिकन। फिर से एक बार मैं बताती हूँ, ये हमने आलू लिए है, ये मैंने इसमें बीच में पीस रखा है, इसको थोड़ा सा फोल्ड किया है, टूथपिक के मदद से इसको स्क्रू करना है इस तरह से। दैट्स इट, कितना प्यारा लग रहा है। वाह क्या बात है, इतना आसान है ये तो। तो जोया आई है हेल्प के लिए, उसको भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ये डिश, है ना? Yes. जोया ने भी बहुत बार रील पर इस पे उस पे देखी थी ना, कल ही हम लोग का था बनाने का बट वो पॉसिबल नहीं हो गया। कैसी है अभी तबीयत? ठीक है अभी। ठीक है, रिकवरिंग है ना? Yes. आगे से गलती करोगी? क्या गलती? मेरी बात सुनोगी ना? Yes. उसको खुद को ही पता चला, उसको यही रियलाइज हो गया है कि अच्छा होता मैं स्कूल नहीं जाती तो मैं आज ठीक भी हो जाती है ना। बोलो अपने मुंह से। हाँ, यस, 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 शेमड़ी हो गई है वो भी। कोई बात नहीं, थोड़ा आलू टूट भी गया ना तो उसको एडजस्ट कर लेने का, उसको ऐसे फोल्ड करके, ये ब्रेक हो गया है ना तो इसको ऐसे थोड़ा फोल्ड कर लो और इसको स्क्रू कर लो। किसका आइडिया? ये अंजोया का ही आइडिया था। बाबा बच्चे बच्चे, किसका आइडिया था? बटरफ्लाई चिकन को हम फ्राई करेंगे और शौर जी ये वायरल बटरफ्लाई चिकन को कैसा खाते पता है आपको? ये अभी उड़ेगा ऐसे 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 बटरफ्लाई जैसा, तो उसको ऐसे पकड़ पकड़ के खाना है, तो इत्यादि में एक्सरसाइज भी अच्छी होगी और हजम भी अच्छे से होगा। ठीक है, हमको इतना पकड़ने की आदत है नहीं है, अभी तुम लोग कुछ पकड़ के देना पड़ेगा। आदत नहीं है आपको? पहले थी ना, अभी नहीं, शादी के बाद। शादी के बाद बंद हो गया। हाँ, शादी से पहले बहुत बड़े तितलियां पकड़ते थे। हाँ, तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के लिए इतना डर बैठ गया है ना,
बहुत दूर दूर से मैं ट्राई कर रही हूँ, डाल रही हूँ और दूर हट गया। मैं भी मम्मा को वही बोल रही हूँ, बटरफ्लाई चिकन उसमें डालते डालते ध्यान दो, क्या पता कि बटरफ्लाई भी उड़ जाए उसमें, क्योंकि अंडा कैसे वो बर्स्ट हो गया था बॉम्ब स्फोट की तरह और सीधा मेरे हाथ पे आके लग गया था। अब थोड़ा एहतियात बरत रहे और यहाँ पे जोया प्लेटिंग कर रही है इसको ना, चिकन जो साइड है ना उस साइड ऐसे पलट के रखो तो चिकन अच्छे से फ्राई होगा और आलू के बॉर्डर जो है ना वो अच्छे से साइड से क्रिस्प होंगे। तो इसको उल्टा फ्राई करो, लग रहा है ना बहुत ही प्यारा और मज़ेदार और यम्मी सी चटपटी रेसिपी। तो देखते हैं, मुझे दिखने में तो ऐसे लग रहा है, अब देखते हैं खाने के बाद क्या होता है। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड है, जोया नाया शॉर्ट जी भी बहुत एक्साइटेड है खाने के लिए, देखते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, देख सकते हो आप। आज जोया मैडम प्लेटिंग कर रही है, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा टैलेंटेड गर्ल। कैसे बनाई है अनु ने? तो टेस्ट भी करी अनु ने, सिर्फ ऊपर ऊपर का आलू खाई है ना चिकन। जो है इस पे चाट मसाला डालो, चाटी 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 चाटी। अरे उड़ रहा उड़ रहा उड़ रहा उड़ रहा बटरफ्लाई सीधा अनु के मुंह में। नाइस चाट मसाला। हमें तकवा व परहेजगारी अता फरमा। या अल्लाह हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके पर कायम रख। या अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु वबिका मंतु वालिका तवक्कलतु वाला रिस्किका अफ्तरतु फतकब्बल मिन्नी। या अल्लाह हमारा गुज़ा कबूल कर। कैसे बना बोल सकते क्या, सजेस्ट कर सकते क्या सबको? वाह क्रिस्पी भी हो गया ना आलू। शोहर जी का रिव्यू लेते, क्रिस्पी हो गया, आवाज आ रही है ना क्रंचीनेस की। अच्छा अच्छा गुड। तो मैं पे टेस्ट करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे अंकल अच्छे बहुत लोग पूछ रहे हैं आपको। हमारे रिश्तेदार भी पूछ रहे हैं, अभी तक तुम्हारा आया नहीं बोले। लो चाय। आप निकल जा रहे हैं ना जल्दी तरावी के लिए? जगह नहीं मिल रही, जगह नहीं मिलती ना। अच्छा आंटी से तो हो गई सबकी मुलाकात, आपकी नहीं हुई। पौने पाँच बजे जाके बैठता, पौने पाँच अभी आता है, इसके बाद मैं अभी और फोर रोड निकल जाऊंगा, तो उसके बाद मैं वहाँ से 10:30 को आऊंगा। अच्छा और जोहर का और अलग है, 12 बजे गया। मतलब आप अभी फिलहाल रमजान में मस्जिद में ही है। चलो अच्छा है। और आज की डिश कैसी लगी? पूछ रहा था मैं, बोला क्या है? बटरफ्लाई चिकन लेके जाता हूँ। अच्छा क्या है? कुरान पकड़ू बहुत देर तक अच्छा बना। ये आजकल रील पे यूट्यूब पे वायरल चल रही ना ये डिश, बहुत अच्छा। अच्छा चलो दुआ करना सबके लिए। हाँ आमीन आमीन। चाय एंजॉय करो, ठंडी हो जाएगी। चलो अल्लाह हाफिज आंटी। चाय के बगैर सब कुछ अधूरा, इफ्तारी के बाद चाय मिल जाए तो सुकून मिल जाए। हो गई है इफ्तारी, मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ और ये व्लॉग एंड करती हूँ। फटाफट से अभी जाती हूँ, व्लॉग एडिट करती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। और आप लोग भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी, अनु को भी बहुत पसंद आई, तो आप लोग बड़ों को भी अच्छी लगेगी, चटपटी सी। लेकिन लास्ट में जब पूरा बन जाए ना तो चाट मसाला याद से डालना,
तो उसका टेस्ट और अच्छा होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और चलिए अब चाय पीते ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।